तो चलो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट के बाद अब बारी है मोलर मास की। और मोलर मास या मोलर द्रव्यमान के बारे में यहाँ लिख दे एक लाइन। किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम ग्राम में द्रव्यमान को उसका उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो उसका एक मोल ले लिया जाए और उसका ग्राम में द्रव्यमान मापा जाए तो उस द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान हम कहेंगे। और मोलर द्रव्यमान के लिए मात्रक है, इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम और इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि मोलर द्रव्यमान को और स्पष्ट कैसे किया जाए। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। पहला पॉइंट है हाइड्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान 2 ग्राम होता है। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। जल का लें, H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का दिखा दे रहा हूँ, CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम होता है। ये यहाँ पे क्यों लिखा हूँ इतने सारे पॉइंट्स, इसके लिए मैं यहाँ कुछ समझाना चाह रहा हूँ, बता दूँ। हाइड्रोजन का अणुभार बराबर 2, ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32, जल का H2O का अणुभार होता है 18 और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार होता है 44। यहाँ ध्यान दें, CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम और CO2 का अणुभार 44, H2O का मोलर मास 18 ग्राम और H2O का अणुभार 18। ठीक है, ये मोलर मास और ये मॉलिकुलर मास, अणुभार को मॉलिकुलर मास कहते हैं, मॉलिकुलर मास। तो यहाँ मोलर मास और मॉलिकुलर मास में डिफरेंस भी हो जा रहा है और आप मोलर मास का कॉन्सेप्ट ठीक प्रकार से समझ भी पाएंगे। तो यहाँ देखें, ये मॉलिकुलर मास है अणुभार और ये मोलर मास, ये एक मोल का द्रव्यमान है और यह एक अणु का भार है और उसकी इकाई क्या होती है, परमाणु भार या अणु भार की इकाई, परमाणु भार या अणु भार की इकाई हम बता चुके हैं, यू या AMU। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यू या फिर AMU में हैं और ये सारे ग्राम में हैं। तो हर जगह हम यू या AMU को दर्शाते नहीं हैं, जैसे H2 का अणुभार 2U या 2 AMU, लेकिन हर जगह दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सीधे सीधे अपने पॉइंट पे, मोलर द्रव्यमान में ग्राम लगा है, ठीक है, जबकि अणुभार में ग्राम नहीं लगा है, यू लगा है। तो किसी भी अणु के लिए उसका मोलर मास जो ग्राम में है, संख्यात्मक रूप से
वही अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। जो संख्या होगी यहाँ वही संख्या होगी यहाँ, जो संख्या है यहाँ वही संख्या यहाँ। तो संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ हम मोलों की संख्या निकालना सीखेंगे कि मोलर द्रव्यमान अगर दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है या फिर एनटीपी पर आयतन दिया हुआ है, तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स की गणना किस प्रकार करेंगे। तो दो फार्मूले हैं इसके लिए, मोलों की संख्या इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं स्मॉल एन द्वारा। मोलों की संख्या एन इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान पहले से ही ग्राम में होता है, ठीक है। तो ये मोलों की संख्या के लिए सूत्र है, इसको यूं भी लिख सकते हैं, या एन इक्वल टू डब्लू बाई एम, ये मोलर मास और ये डब्लू दोनों किस में है, ग्राम में है। ये फार्मूला हो गया हमारा, इसको याद रखना है। हम सामान्य रूप से काम किस प्रकार चलाते हैं इसको भी यहाँ दर्शा दे रहा हूँ। मोलर द्रव्यमान की बात होगी तो कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि मोलर द्रव्यमान कितना होगा, लेकिन उसके जगह संख्यात्मक रूप से मोलर द्रव्यमान और अणुभार समान है, तो हम क्या करते हैं, काम चलाते हैं शॉर्टकट में ये बोल के कि पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, ठीक है। तो हम यूँ काम चला लेते हैं और उससे हमारा मोलों की संख्या गणना हो जाती है। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे अणु भार, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या करते हैं हम लोग, हालांकि ये सही विधि नहीं है, फिर भी यह प्रचलन में है और मोलों की संख्या इससे निकाली जाती है, क्योंकि संख्याएं यहाँ यहाँ दोनों एक समान है। दूसरा फार्मूला हमारा है गैसों के लिए, गैसीय अवस्था में एनटीपी पर किसी गैस के यहाँ पे एनटीपी क्या है इसको हम बताएंगे, अभी बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे। एनटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर में मोलों की संख्या एक होती है, ठीक ना। और अगर ये चीज़ हम पहले लिख चुके हैं और इसी पे फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मोलों की संख्या बराबर एनटीपी पर आयतन बटे 22.4 लीटर, यह आयतन भी लीटर में है। तो इस प्रकार इस फार्मूले द्वारा हम अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ये हम देख चुके थे, एनटीपी, एसटीपी, मातादा और सातादा। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब, सामान्य ताप और दाब। तो इस सूत्र द्वारा हम किसी भी गैस में जिसका आयतन नॉर्मल टेम्परेचर पे दिया हो उसमें मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें। प्रश्न है 12 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं या आंसर निकालें।
सूत्र पे ध्यान दे, एन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, डब्लू, और डब्लू दिया हुआ है 12 ग्राम। दूसरा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान हमको निकालना है, मोलर द्रव्यमान क्या है, 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान है और मात्र ग्राम प्रति मोल। तो हमने अभी 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 दिखाया है कि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 2 ग्राम, ठीक है ना, और अगर पूरा मात्रक लिखें तो 2 ग्राम प्रति मोल होता है। और अगर नहीं पता है तो हमको क्या करना है, हाइड्रोजन का अणुभार, अणुभार तो याद ही होगा, अणुभार 2 होता है, वही उसको ग्राम प्रति मोल में कर लेंगे, 2 ग्राम प्रति मोल, ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या होगा, 2 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो n इक्वल टू मोलों की संख्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या n इक्वल टू भार दिया है 12 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान है 2 ग्राम प्रति मोल, क्या होगा, 6 ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, मोल ऊपर जाएगा और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 6, तो 6 मोल, ठीक है। 12 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल्स उपस्थित हैं, 6 मोल उपस्थित हैं। और बहुत शॉर्टकट में हम कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं इसको, मोलों की संख्या n इक्वल टू भार बटे अणुभार, अणुभार लिखते हैं, भार लिखते हैं तुरंत, 12 अणुभार 2, 6 मोल, ये शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये सही विधि है, ठीक है। दूसरा प्रश्न एक ले रहे हैं, क्वेश्चन है 64 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या क्या होगी। बस UM लगाएं, इसको भी क्या करना है, W इक्वल टू 64 ग्राम दिया हुआ है और मोलर मास ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, और उभार 32, तो 32 ग्राम प्रति मोल, मोलर मास 32 ग्राम प्रति मोल। जब हम मोल लिखते हैं पूरा तो MOLE लिखते हैं, और जब इसका प्रतीक लिखते हैं तो केवल MOL लगाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में, तो ग्राम पर मोल। यहाँ क्या करेंगे, W बाई एम ही तो करना है, N इक्वल टू W बाई एम, ये क्या मिल जाएगा वैल्यू, 2 मोल, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं इस दूसरे फार्मूले के ऊपर, इसमें तो कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। प्रश्न है एनटीपी पर किसी गैस के 44.8 लीटर में मोलों की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, एनटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर में क्या करना होता है, गैस का आयतन बटे 22.4, ये एनटीपी पर जो आयतन है और बटे 22.4 से हम भाग करा देते हैं, तो आयतन कितना दिया हुआ है, 44.8, और हमको क्या कराना होगा, 22.4 से भाग करा देना होगा, तो हमको n का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 2 मोल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, और जब एक बार मोलों की संख्या का हमको पता चल जाए तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, अगर परमाणुक अवस्था में पदार्थ है तो परमाणुओं की संख्या क्या है, अगर आणविक अवस्था में पदार्थ है तो उसमें अणुओं की संख्या क्या है, या फिर अगर आयनिक अवस्था में पदार्थ है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, इन सारे की कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए, ठीक है, इस उत्तर में अगर हमको हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें कुल कणों की संख्या क्या है, ये ऑक्सीजन गैस है ना, कुल कणों की संख्या है, या फिर पूछ देगी कुल अणुओं की संख्या क्या है, ऑक्सीजन गैस में अणु ही होंगे, तो कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी, क्या करेंगे, अणुओं की
संख्या बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो संख्या एन ए, ठीक है, अणुओं की संख्या बराबर, यहाँ प्रतीक ही दिखा दे रहे हैं, एन इंटू एन ए, ये एक फार्मूला की तरह भी यूज होता है, ठीक है, अणुओं की संख्या बराबर एन इंटू एन ए, और यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दो हैं और अवोगाड्रो संख्या का मान भर लेंगे 6.022 × 10²³ और दो से गुणा कर लेंगे, हमको वहाँ इसमें अणुओं की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है, थैंक यू।